पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें वेस्टरोस का मैप बताया था, इस वीडियो में एसोस का मैप। वो वाला मैप थोड़ा जियोग्राफिकल बेस्ड था कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ये वाला मैप थोड़ा हिस्टोलॉजिकल बेस्ड है क्योंकि कौन सा किंगडम पहले आया, कौन सा बाद में और वो किस जगह पर था। तो एसोस नाम से अपने दिमाग में क्या आता है, डोथ्राकी, अनसलिड, मरीन, युंकाई, एस्तापोर और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को पेंटोस या फिर वलेरिया आ जाए। पर इन सब चीज़ों को छोड़ के मैंने बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया इस मैप में। तो वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। एसोस साइज और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से वेस्टरोस से काफ़ी ज़्यादा है और इसकी बहुत सारी जगह अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। एसोस में सबसे पहली सिविलाइजेशन और किंगडम के रूप में द ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन को माना जाता है, जिसका रूल द बोन माउंटेन से लेकर ग्रेवेस्ट तक फैला हुआ था। इसके रूलर को गॉड ऑन अर्थ कहा गया, जिसने पूरे 10,000 साल तक एसोस के इस पार्ट के ऊपर राज किया। लेकिन जीओटी की अभी की टाइमलाइन में इस बात पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा सुपरनेचुरल हो गया। लोगों का मानना है ये एम्पायर तब खत्म होना स्टार्ट हो गया जब वेस्टरोस में द लॉन्ग नाइट आई थी, यानी कि 8,000 साल पहले। इस एम्पायर के खत्म होने के बाद में एसोस में राज किया गोल्डन एम्पायर ऑफ इथी ने। इस एम्पायर में आने वाली ज़्यादातर जमीन पर या तो जंगल्स थे या फिर फार्मलैंड्स। इनके अलावा एसोस में दो और भी एम्पायर्स है जिनका क्लेम है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत उनसे हुई है और सबसे फर्स्ट किंगडम उनका था, जिनके नाम है किंगडम ऑफ सारनाथ और ओल्ड एम्पायर ऑफ गीज। वैसे गीज एम्पायर का नाम तुमने टाइमलाइन वाली वीडियो में भी सुना था, जिन्होंने वलेरियन लोग या फिर ड्रैगन लॉर्ड्स के साथ में लड़ाई की थी। हाँ, ये वही वाले हैं। गीज एम्पायर की शुरुआत गीज सिटी से होती है, जिसके आसपास के एरिया को गीजकारी रीजन कहा जाता है और इससे थोड़ी सी दूरी स्लेवर्स बे है। इनकी स्ट्रेंथ इनकी मिलिट्री है जो कि ज़्यादातर दास या फिर स्लेव से बनी हुई है। इस आर्मी को तुम अनसलिड वाली आर्मी से कंपेयर कर सकते हो, उसी तरह उतनी स्ट्रांग और उतनी पावरफुल, जिसके दम पर इन्होंने गीजकारी और इसके आसपास के सारे रीजन को कॉन्कर कर लिया। गीज एम्पायर को एसोस में कॉन्कर करने से रोकना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये मुश्किल तभी तक था जब तक वलेरिया में ड्रैगन एक्स नहीं मिल गए थे। वलेरिया समुद्र के पास में और किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की तरह, जहाँ पर पहले बहुत सारे वॉल्केनोस थे। यहाँ पर रहने वाले लोग शांतिप्रिय भेड़ चराने वाले लोग थे, लेकिन ये शांतिप्रिय तभी तक थे जब तक इनको ड्रैगन एक्स नहीं मिले थे। ड्रैगन एक्स मिलने के बाद में इन्होंने मैजिक से उनसे ड्रैगन निकाले और उनको ट्रेंड किया, और फिर ये लोग अपनी ड्रैगन्स की मदद से एसोस में एक नई पावर के रूप में उभर गए। इधर गीज एम्पायर अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा था एसोस में और नई नई बिल्डिंग्स और पिरामिड्स बना रहा था जहाँ जहाँ पर इनका राज था। फिर इन दोनों एम्पायर्स के बीच में क्लेश होता है, जिसके अंदर मेजर 5 वॉर्स हुए। इन वॉर्स को गीजकारी वॉर सीरीज कहा गया, जिसके अंदर वलेरियन लोगों ने हर वॉर को अपने ड्रैगन्स की मदद से जीत लिया। इनकी वॉर सीरीज का सबसे मेन वॉर लास्ट या फिर 5th वॉर था, क्योंकि अब तक ड्रैगन लॉर्ड्स ने गीज एम्पायर को इनकी हर एक जगह से हरा दिया था जहाँ पर इन्होंने पहले कॉन्कर कर रखा था। अब गीज एम्पायर के पास में केवल इनका होम यानी कि गीज सिटी बची थी, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड्स ने 5th वॉर में उसको भी नहीं छोड़ा और उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। गीज सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद में ड्रैगन लॉर्ड्स ने वहाँ पर बहुत सारा नमक छिड़काव कर दिया, जिससे कि आने वाले टाइम में वहाँ पर कोई भी फसल नहीं होगी और इससे ड्रैगन लॉर्ड्स के सामने कोई और पावर उभर के नहीं आ पाए। इस वॉर में जो कुछ लोग बच गए थे वो इसके पास के आइलैंड जिसका नाम है न्यू गीज वहाँ पर जाके रहने लग गए। लेकिन इस वॉर सीरीज ने गीज एम्पायर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, वहाँ की कल्चर, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ के रिलीजन सब कुछ ख़त्म कर दिया। जो मैंने जो तुमको 4 किंगडम्स बताए, एम्पायर ऑफ डान, गोल्डन एम्पायर ऑफ इथी, किंगडम ऑफ सारना और गीज एम्पायर, इन चारों में से एक का ही सिग्निफिकेंस बनता है कि वो असली में पहले थे, और वो है गीज एम्पायर, क्योंकि इनकी वलेरिया के साथ में फाइट्स हुई है। बाकियों के ऊपर लोग विश्वास भी नहीं करते। ओल्ड गीज के पास में वो तीनों सिटीज है जो अपन को गोट में देखने को मिली थी, एस्तापोर, युंकाई और मरीन, और इन सिटीज़ के पास में स्लेवर्स बे। इन सिटीज़ में अपन को जीओटी में भी देखने को मिला था कि गुलामी या फिर दास प्रथा ज़्यादा चलती है, जिस दास प्रथा को डेनी ने हटाने की कोशिश की थी। लेकिन इस दास प्रथा की शुरुआत भी गीज एम्पायर ने की थी, और गीज एम्पायर के ख़त्म होने के बाद में वलेरियन लोगों ने भी इसको आगे कंटिन्यू किया। गीज एम्पायर को हराने के बाद में वलेरियन लोगों का मेन फोकस एसोस की लेफ्ट साइड में था, क्योंकि राइट साइड में जो शेडो लैंड्स और ग्रे वेस्ट है वहाँ तक जाने के लिए बीच में द बोन माउंटेन्स और सेंटसी, इन दोनों को पार करना पड़ता है, जाके जियोग्राफी बहुत बकवास है किसी भी सेना को पार करने के लिए। अब ड्रैगन लॉर्ड्स अपने ड्रैगन लेकर वहाँ पर तो जा सकते हैं, लेकिन किसी भी जगह को रूल करने के लिए कुछ सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है, और जिसको ले जाने के बीच में ये दोनों चीज़ें आ जाती है। शायद इसी वजह से ड्रैगन लॉर्ड्स का मेन फोकस लेफ्ट साइड ऑफ एसोस में रहा।
अब ड्रैगन्स की ओरिजिन की बात आती है तो सबके दिमाग में वलेरिया आता है, लेकिन फार ईस्ट में एक सिटी है जिसका नाम एसराई। वहाँ के लोगों का मानना है कि सबसे पहले ड्रैगन्स शेडोलैंड्स और इनकी तरफ थे। एसराई जीओटी के यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है, जहाँ के लोगों का मानना है इसका एग्जिस्टेंस तब भी था जब वर्ल्ड शुरू भी नहीं हुआ, और तब भी रहेगा जब वर्ल्ड पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये सिटी काफ़ी ह्यूज है और उतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड भी। इस जगह को इतना डार्क बनाता है इसका कल्चर। यहाँ पर ब्लैक मैजिक सीखना और यूज़ करना दोनों ही अलाउ है। जियोटिक यूनिवर्स में हमको जितना भी ब्लैक मैजिक कहीं पर भी दिखता है, उस सब की शुरुआत यहीं से हुई होती है। यहाँ पर सारे लोग अपने मुंह पर कुछ न कुछ मास्क लगा कर रखते हैं, जैसा कि अपन को जियोटी में कुछ दिखे भी थे। और ख़ास बात यह है कि इस सिटी में एक भी बच्चा नहीं है। इस जगह पर कुछ भी नहीं उगता है और पानी के भी कुछ अच्छे सोर्स नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए अच्छा है कि ये सिटी बिल्कुल समुद्र के तट पर है, जिसकी वजह से शिप्स के थ्रू इनके यहाँ पर खाना और पानी आता है। इस सिटी और आसपास की जगह पर एक ही रिवर है जिसका नाम है द एश। इस रिवर का पानी दिन में तो ब्लैक कलर का रहता है और रात को ग्रीन कलर में चमकता है, लेकिन ये पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी फिशेज होती है इस पानी में, वो सारी डिफॉर्म्ड होती है, टूटी फूटी अजीब सी शेप की होती है, जिनको न खा सकते और न इस पानी को पी सकते। लोगों का कहना है इस नदी पर भी बहुत पहले किसी ने डार्क मैजिक कर दिया। इस सिटी में एक भी एनिमल नहीं है और इसकी वजह यहाँ पर जो भी एनिमल लाया जाता है वो थोड़े दिन में मर जाता है। यहाँ की सारी बिल्डिंग्स ब्लैक ऑयली कलर की बनी हुई है, जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर देती है और दिन में भी बिल्कुल डार्कनेस ला के रखती है। ऐसा ही जिस रीजन में है उस रीजन को द शेडो लैंड्स कहा जाता है। यहाँ के आसपास जगह पर ज़्यादातर बड़े बड़े माउंटेन्स है। यहाँ पर घोस्ट ग्रास उगती है जो काफ़ी लंबी और मोटी होती है, जो अपने आसपास के सारे प्लांट्स को ख़त्म कर देती है। शेडो लैंड्स में इसके अलावा एक और सिटी है जिसका नाम है सेगाय। ये जगह तो और ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये सिटी बिल्कुल खाली है और यहाँ पर कोई भी जाने में डरता है। इस सिटी के बारे में लोगों का कहना है ये पूरी हॉन्टेड है और यहाँ पर लाशें इधर उधर घूमती है, और वही रटी रटाई बात, यहाँ पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। इसके पास में एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है उल्थोस। वेस्टरोस के लोगों को शेडो लैंड्स, ग्रे वेस्ट, फार ईस्ट की जगहों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और न ही अपन को इनके बारे में पता है। इसलिए HOD में थोड़ा बहुत इन मिस्टीरियस जगहों के बारे में बता दे तो शानदार रहेगा। एसोस के मैप में बिल्कुल लेफ्ट में एंदलोस करके जगह है, जहाँ के लोगों को एंदल्स कहा जाता है। अब ये एंदल्स वही लोग हैं जो मैंने तुम्हें टाइमलाइन वाली वीडियो में बताया था, जो वेस्टरोस में शिप्स के थ्रू गए और फर्स्ट मैन को हर जगह से हरा दिया एक्सेप्ट थोड़ा बहुत नॉर्थ। और यही वो लोग हैं जिन्होंने चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा मारा फर्स्ट मैन के कंपेयर में भी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए और वॉल के उस साइड चले गए। लेकिन जब ये एंडल्स वेस्टरोस में जाने में बिजी थे, उतने में पीछे से वलेरियन लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि जो नहीं जा रहे थे उन्हें भी वेस्टरोस में जाना पड़ा, और जो यहाँ पर रुक गए उनके ऊपर राज किया ड्रैगन लॉर्ड्स ने। अब यूं मत सोचना कि ड्रैगन लॉर्ड्स ने सबको मार पीट के बस राज ही नहीं किया, इन्होंने 9 फ्री सिटीज़ भी बनाई जो अपन को GOT में देखने को मिलती है। एक दो के तो तुमको नाम भी याद होंगे, जैसे कि ब्रावोस, पेंटोस, मियर एक्सेट्रा। ड्रैगन लॉर्ड्स ने सबसे पहले 9 फ्री सिटीज़ में से वॉलेंटियर्स को बसाया, जो कि वलेरिया से थोड़ी सी दूर है और समुद्र के पास भी, और इसीलिए इसको फर्स्ट डॉटर ऑफ वलेरिया भी कहा गया। इसके बाद में टायरोस को बसाया, जो कि ड्रैगन लॉर्ड्स ही एक तरह से मिलिट्री बेस था। इसके बाद में लीज फ्री सिटी को बसाया, जिसको दरअसल ड्रैगन लॉर्ड्स ने अपने घूमने फिरने की जगह के रूप में बसाया था। इसके बाद में बारी आती है मियर और पेंटोस की। ये वेस्टरोस से काफ़ी पास में, इसलिए इनको व्यापार के लिए बसाया था। मियर वही जगह है जहाँ से एक वॉरियर आता है जो अपनी तलवार में आग लगा देता है, और पेंटोस में डेनी का बचपन बिता है। इसके बाद में लोहार्थ, नॉर्वोस और कोहार को बसाया। इन सिटीज़ में वो ड्रैगन लॉर्ड्स आके रहते थे जो वलेरिया में बाकी लोगों के साथ में रिलीजियस पॉइंट पर सहमत नहीं थे और थोड़ी डिफरेंट सोच रखते थे। अब तुम सोच रहे होंगे एक सिटी बच गई, वो है ब्रावोस। ब्रावोस को दरअसल ड्रैगन लॉर्ड्स ने बसाया नहीं, वो खुद बस गई। इसके बसने की कहानी यूँ है कि एक बार वलेरिया से बहुत सारे शिप्स हजारों की संख्या में स्लेव्स यानी कि गुलामों को लेकर इन फ्री सिटीज़ में जा रहे थे, लेकिन बीच समुद्र में ये लोग उन मास्टर्स से आज़ाद हो गए और उन मास्टर्स को मार डाला। उसके बाद में ये लोग उन शिप्स को दूसरी साइड मोड़ देते जो जगह इनके लिए भी अनजानी होती है। ये लोग पहुंच जाते ऐसे समुद्र तट पर जहाँ की सारी जमीन पर बड़े बड़े माउंटेन्स होते और पाइन ट्रीज। लेकिन इन स्लेव्स में काफ़ी सारी औरतें भी होती हैं जिनसे इनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ती है, और इस तरह ये यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह ब्रावोस के बसने के बाद में भी कई सदियों तक पूरी दुनिया को और ड्रैगन लॉर्ड्स को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर कोई सिटी भी है। इसलिए कई टाइम बाद में ब्रावोस का एग्जिस्टेंस दुनिया को बताने के लिए यहाँ के किंग ने 10,000 शिप्स बनाए और पूरे वर्ल्ड में गए।
इतने बोल्ड मूव के बावजूद भी बाकी दुनिया को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला और ये अगले 100 सालों तक एक हिडन सिटी के रूप में ही रही। 9 फिर सिटीज़ में से 8 को तो खुद वलेरियन ड्रैगनलॉर्ड्स ने बसाया था, इसलिए उनको डॉटर ऑफ वलेरिया कहा गया, लेकिन ब्रावोस इस तरह बस गई इसलिए इसको बास्टर्ड डॉटर ऑफ वलेरिया के नाम से जाना गया। गोट और एचओडी की टाइमलाइन में ब्रावोस सिटी काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल है। अगर गोट से थोड़ा रेफरेंस दूँ तो आयरन बैंक भी यहीं पे है और फेसलेस मैन वाला भी सारा यहीं पे था। इसके अलावा इस सिटी के स्टार्टिंग में एक बड़ा सा योद्धा है जिसकी तलवार आधी टूटी हुई है, अब वो आधी टूटी हुई तलवार वाइट वॉकर्स के अंदर घुस गई थी, उसकी स्टोरी मैं बाद में कभी बता दूंगा तुमको। तो एसोस की हिस्ट्री का वीडियो यहीं पे रोकना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि नाइमीरिया ने कहाँ कहाँ पर ट्रैवल किया, उसके बाद में डोथरा किस कहाँ से आए, ड्रैगन लॉर्ड्स कैसे खत्म हुए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।